नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल जुबलीज हैदराबाद में। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ माइग्रेन का एक नया ट्रीटमेंट मॉडलिटी, एक इंजेक्शन जो आया है उसके बारे में। तो माइग्रेन एक बहुत ही सीवियर बीमारी है जिसमें मरीजों को सिर में दर्द होता है, दर्द के साथ उल्टी होना, चक्कर आना, और ये काफ़ी बार होता है, हफ्ते में 2 या 3 बार या महीने में काफ़ी बार हो सकता है, जिससे लोग अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, अपना जॉब ठीक से नहीं कर सकते। माइग्रेन के इलाज के लिए काफ़ी दवाइयाँ टैबलेट्स पहले से भी हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि 60% लोगों को दवा से आराम नहीं मिलता और बहुत सारे लोगों को दवाई का साइड इफेक्ट भी होता है। तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज एक इंजेक्शन आ गया है जिसको बोलते हैं एरेनोमैब। तो ये अमेरिका और यूरोप में लगभग 4-5 साल से यूज़ में हो रहा है, इस्तेमाल में है। हमारे देश में भी 1 साल से इंजेक्शन अवेलेबल है, ये महीने में एक बार लगाना पड़ता है और ये माइग्रेन के लिए स्पेसिफिक इलाज है। इट इज़ अंडर द स्किन, स्किन के अंडर वो इंजेक्शन लगाते हैं जैसे इंसुलिन लगाते हैं, और महीने में एक इंजेक्शन। ये इंजेक्शन दवाई काफ़ी सेफ है और जो पेशेंट्स यूज़ किए हैं, इंडिया में लगभग 500 मरीजों इसका यूज़ कर चुके हैं और वो काफ़ी सेफ है, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, सिर दर्द में भी काफ़ी अच्छा आराम मिला है। अगर आपको इस दवाई के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमें संपर्क करें या फिर अपने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। धन्यवाद।